सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य राठौड़ आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की फास्ट न्यूज पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले एयर चीफ, हमले में कितने लोग मारे गए ये पता करना हमारा नहीं सरकार का काम। धनोआ के मुताबिक अमराम मिसाइल सिर्फ F-16 में ही लगाए जा सकते हैं और उन्हें अमराम मिसाइल के टुकड़े मिले, पाक ने समझौते का उल्लंघन किया है। अमित शाह बोले, नुकसान उठाए बगैर भारतीय फौज ने आतंकियों का किया सफाया, पाक का दावा, एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के कटासराज मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुंचेंगे भारत का कोई श्रद्धालु, पुलवामा हमले के बाद श्रद्धालुओं ने नहीं लिया पाकिस्तान का वीजा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के चकवाला जिले में है भगवान शिव का कटासराज मंदिर। इमरान खान बोले, कश्मीर समस्या का समाधान तलाश करने वाला व्यक्ति को मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। अभिनंदन को रिहा करने के बाद लोगों ने चलाया इमरान खान को नोबेल देने का अभियान। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा, सरकार जैश ए मोहम्मद के अलावा दूसरे प्रतिबंध संगठनों के खिलाफ लेगी निर्णायक फैसला। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर विरोध वापस ले सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का दावा, F-16 से नहीं चीन के बने JF-17 का किया इस्तेमाल। अमेठी में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन को लेकर शुरू हुई राजनीति। राहुल बोले, मोदी फिर बोले झूठ, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट का मैं 2010 में कर चुका था उद्घाटन। स्मृति ईरानी ने कहा, आपने तो उस संस्था का शिलान्यास दोबारा कर दिया जिसकी नींव कांग्रेस नेता ने 2 दशक पहले ही रख दी थी। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से यात्रियों की संख्या में आई कमी। 28 फरवरी को बंद की गई थी ट्रेन, हमले के बाद पहली बार चली समझौता एक्सप्रेस, सिर्फ 12 यात्री पाक रवाना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक, रक्षा गृह विदेश मंत्री समेत NSA डोभाल और विदेश सचिव भी हुए शामिल। बैठक में मसूद की मौत पर हुई चर्चा, पाक मीडिया ने मसूद अजहर के जिंदा होने का किया दावा। राजधानी में हुआ जोरदार धमाका, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया विस्फोट के दौरान ऊपर से गुजरा था एक हेलीकॉप्टर। पुलिस ने ATC से मांगी हेलीकॉप्टर की जानकारी, मामले की चल रही है जांच। प्रदेश में स्वाइन फ्लू हुआ बेकाबू, इस साल 36 दिन में ही 4,350 पॉजिटिव में से 147 लोगों की गई जान। जयपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव, विभाग के नियंत्रण दावे हो रहे हैं फेल, बढ़ता जा रहा है मौत का ग्राफ। एयर स्ट्राइक पर सिद्धू ने लगाया प्रश्न चिन्ह, आतंकी मारे गए या पेड़ गिराए गए, सेना का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए NBC News 24। नमस्कार।